हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए दो इम्पॉर्टेंट बात जो कि मुझे आपको बतानी है और आपको भी समझनी जरूरी है। और वो बात क्या है, देखिए पहले तो आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है। सभी बच्चे तैयारी बहुत अच्छे से जोरों शोरों से कर ही रहे हैं और लास्ट ईयर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था तो उन्होंने तो केवल रिवीजन का ही टाइम जो है वो निकाला क्योंकि वो पहले से ही कर चुके थे, और जो नए बच्चे थे तो वो कम से कम 2-3 महीने से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है आपका रीट का एग्ज़ाम, पात्रता परीक्षा है। कई बच्चे यही सोचकर अभी भी दिमाग में लेकर ये चल रहे हैं कि 90 मार्क्स ही लाने हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। 100 का टारगेट लेके आपको चलना है। जो भी आपके पास दिन शेष हैं, 19, 20, 18 जो भी दिन हैं, तो इनको आपको इम्पोर्टेंट मानना है। ये जो टाइम है आपके लगभग 19-20 दिन का, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका एग्ज़ाम जो है क्रैक भी हो सकता है और आप रह भी सकते हो। उसकी वजह क्या है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उसकी अब क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। नया पढ़ने की बजाय क्या करना है, रिवीजन ही करना है, तो वो बच्चे बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे क्या सोचते हैं कि कम टाइम में अब हम जो है नए टॉपिक पढ़ें जिससे कि एग्ज़ाम में शायद ये क्वेश्चन आ जाए क्योंकि हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, ऐसी भूल आप ना करें। अब जो भी आपने पढ़ लिया है अब तक उसको ही बार बार रिवाइज करना है, बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक रह गए हैं आपके उनको आप छोड़ दें, जो भी आपने पहले पढ़ा है उनको ही रिवाइज करें, क्योंकि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। हिंदी आपको पढ़नी है, ठीक है, इंग्लिश आपको पढ़नी है, इसके अलावा शिक्षण विधियाँ आपको इनकी अलग अलग पढ़नी है। शिक्षण विधियों के लिए आप केवल और केवल लास्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करके जाएं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक एग्जाम में उनकी प्रैक्टिस करके जाएं शिक्षण विधियों के लिए। और हिंदी की और एसएस की जो शिक्षण विधियां हैं वो मैंने भी आपको बहुत सारी करवा दी हैं, प्रैक्टिस बहुत सारी करवाई है, तो उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए थे शिक्षण विधियों के वो मैंने आपको करवाए हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है जिससे हम जुड़े हुए हैं और काफ़ी टाइम से जो है वो मैं इस पर जोर भी देती हूँ और बच्चे जो है वो मानते भी हैं, जो भी बात मानते हैं तो उसका रिजल्ट वो एग्ज़ाम में देखेंगे, ठीक है। और हर बार मैं यही चीज़ बोलती हूँ, तो यही चीज़ मुझे बतानी थी कि सबसे पहली बात, कुछ भी नया ना पढ़ें, केवल और केवल रिविज़न करें। जो नहीं पढ़ा है उसको अब आप छोड़ दें, ठीक है। और दूसरी बात कि एग्ज़ाम से पहले कम से कम 5 टेस्ट आप 150 मार्क्स का लगा कर जाएँ। 150 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो उसको आप जो है टाइम सेट करके उसको लगा कर जाएँ। 5 टेस्ट आपके काफ़ी हैं, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो है मुझे कितने टाइम में कौन सा जो है, जो भी आपका हिंदी का है, इंग्लिश का है, एसएस का है, साइकोलॉजी का है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो आपको एक तो इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे जो हैं ऐसा बोलते हैं कि मैम क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन आते थे लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बचा। वो क्यों होता है, क्योंकि हम पढ़ते चले जाते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं, लेकिन हम लास्ट टाइम पर एक भी जो है क्वेश्चन पेपर हम नहीं लगाते हैं, तो हमें पता ही नहीं रहता है कि किस पर जो है हमें ज़्यादा टाइम देना है और किस पर हमें जो है कम टाइम देना है। कोई भी क्वेश्चन में यदि आप उलझते हो आप उसको छोड़ दो, आप उसको छोड़ दो। देखो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ठीक है, अगर आप किसी में भी उलझते हो उसको आप उस वक्त छोड़ दो। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आप जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और अंत तक आते आते उसका आंसर आपको याद आ जाए, नहीं भी आता है तो आपको उस गोले को तो भरना ही है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। यदि शुरुआत में आपको कोई कन्फ्यूजन होता है किस क्वेश्चन में, उसको आप उस वक्त छोड़ दें, लास्ट टाइम पे जो है उसको देख लें, याद आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो आप उसको गोले को भर देंगे। 150 के 150 जो गोले हैं आपको भरने ही हैं, ठीक है, ये काम तो आपको करना ही है। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है, कुछ भी नया ना पढ़ें, केवल और केवल रिवीजन करें, 5 टेस्ट जो हैं वो आप एग्ज़ाम में लगा कर जाएं। जितने भी मैराथन वीडियो हैं देखिए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आरबीएससी के जो बच्चे बोल रहे थे कि हमें प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहे हैं, तो
केवल सिक्स क्लास जो है वो डिलीट हो गई थी, तो वो भी मैंने आपको डाल दी है। सेवन्थ जो है वह भी डाल दी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ताकि आप रिवीजन और भी अच्छे से कर सको। मेरी तरफ से जो हो सकता था वो मैंने आप लोगों के लिए किया। अब आपकी बारी है कि रिवीजन जो है वो आप करते रहें। तो इसके लिए आपको वीडियो जो है वो केवल आपको क्या करना है, चलाकर और फिर आपको रिवीजन करनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। तो ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी जिसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप बहुत अच्छे से तैयारी करते आए हैं और आगे भी सफल होंगे, और 100% आपको सफलता मिलेगी, रीट में मिलेगी और इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम में भी मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।